क्योंकि अगर हम प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा ही नहीं प्रदान कर सकते हैं तो कैसे हम ये कल्पना कर सकते हैं, कैसे हम ये परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए प्रोफेसर या आईएएस आईपीएस बने, कैसे हम एक बेहतर समाज का अपने देश में निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक देखा जाए ना, ये सारी मांगे सिर्फ और सिर्फ और अपने आज द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अंतर्गत शिक्षा विभाग के तहत जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष ने सदन के समक्ष रखा है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। बाकी अन्य विभागों के जो गिलोटिन द्वारा मांग प्रस्तुत की गई है उन पर भी कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा, परंतु शिक्षा जो कि ऐसा क्षेत्र है किसी भी देश या प्रदेश के विकास हेतु शिक्षा एक ऐसा मानक है और शिक्षा में भी खास तौर से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा। अगर हमारी प्रारंभिक जड़ें ही मजबूत नहीं रहेंगी, हमारी माध्यमिक जड़ें ही मजबूत नहीं रहेंगी तो हम उच्च शिक्षा की बातें कहां ले जाएंगे। बिहार में अगर देखा जाए तो जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है सभापति महोदय, पांचवीं सदी में हमारे बिहार में कई सारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और उसके तहत बिहार की धरती को ज्ञान का धरती कहा गया। बुद्ध, महावीर जैसे महान संतों ने यहां ज्ञान पाया। लेकिन उसके उत्तरार्ध में आगे अगर चला जाए तो हुआ ऐसा कि कुछ बर्बर शासकों द्वारा जो इन्वेजन हुआ बिहार में, उसके तहत अगर देखा जाए तो इन विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद भी अगर शिक्षा की स्थिति देखी जाए बिहार में तो क्रमशः दयनीय ही रही है शिक्षा की स्थिति। आज के परिवेश में पिछले 16 वर्षों के शासनकाल में जो ये आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो सरकार चल रही है, अगर उस पर हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की जो स्थिति है बद से बदतर स्थिति में है। पता नहीं क्यों सरकार प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि अगर हम प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा ही नहीं प्रदान कर सकते हैं तो कैसे हम ये कल्पना कर सकते हैं, कैसे हम ये परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए प्रोफेशनल्स या आईएएस आईपीएस बनेंगे, कैसे हम एक बेहतर समाज का अपने प्रदेश में निर्माण कर सकते हैं। और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं इस प्रदेश में चल रही हैं, शराबबंदी जिसको लेके कि सरकार इतनी सजग होना चाहती है, कानून आया, हम सब ने संकल्प लिया, अगर हमारे पास शिक्षा ही नहीं रहेगी, हमारे बच्चे शिक्षित ही नहीं होंगे तो इस कानून को, शराबबंदी कानून को आप कैसे लागू करा पाएंगे, ये सोचने की बात है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। बिहार की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो 69.83% है। एक एक बात, दो चार बातें कहके बस बातों को समाप्त करना चाहता हूं महोदय। 69.83% है जो कि करीब करीब 7% नेशनल एवरेज से कम है, राष्ट्रीय औसत 77.7% है। और उसमें भी महिलाएं जो है बिहार की, और खास तौर से रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो काफी ही पीछे हैं इस शिक्षा के, साक्षरता के क्षेत्र में। नीति आयोग ने पहले ही, जैसा कि मेंशन किया गया है कि नीति आयोग का जो स्कूल एजुकेशन कोशेंट इंडेक्स जो होता है, EQI जो होता है, स्कूल एजुकेशन का कोशेंट इंडेक्स जो है वो मात्र 40% है बिहार में। इसका मतलब कि उन्होंने कहा है नीति आयोग ने कि बिहार इस मामले में फिसड्डी है। कुछ रिपोर्ट आप देखेंगे महोदय, बुनियादी ढांचों की, क्यों
ये व्यवस्थाएं हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। इतना खर्च करने के बाद भी 38,000 करोड़ का इस बार का बजट है, 7,744 करोड़ अनुपूरक मांगा जा रहा है, लेकिन जहां तक देखा जाएगा ये सारी मांगे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो कहीं वेतन मद में जा रहा है या किसी अन्य मद में, शिक्षकों के वेतन मद में, बकाया वेतन मद में शिक्षकों को या विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों को, मध्य विद्यालयों को विकसित करने के, उनके भवन के निर्माण में, शौचालयों के निर्माण में, लाइब्रेरी के निर्माण में या अन्य पीने के पानी मुहैया करने के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये राशि वहां नहीं खर्च की जा रही है। सरकार की प्रतिबद्धता बुनियादी ढांचे को, शिक्षा की जो बुनियादी ढांचे है और खासतौर से जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उसके बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए सरकार को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक शब्द ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जो कि यहां पर मैं साझा करना चाहता हूं सरकार को। सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बस एक मिनट और अध्यक्ष महोदय, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है पिछले एक साल में कोरोना की मार हो या अन्य कोई भी बात हो, मात्र 3% ही ऐसे जो गरीब लाचार हमारे छात्र हैं उनको मिल पाई है। स्टूडेंट कार्ड योजना में तेजी लानी जानी चाहिए। एक और बात कहना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्री यहां उपलब्ध है, रोहतास जिले में खाद की किल्लत बहुत ही ज्यादा है माननीय कृषि मंत्री, और DAP की उपलब्धता गेहूं की बुआई के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हमने सदन में यह मामला उठाया है, मात्र 2200 MT रोहतास जिले में अभी तक DAP उपलब्ध हुआ है, 15,000 से ज्यादा MT की जरूरत है। अगर आप प्रयास करेंगे और जो कंपनियां हैं फर्टिलाइजर की PPL है उनके आप बात करेंगे तो वो रेक लगाएंगे, जरूर रेक लगाएंगे। उन्होंने, मेरी भी बातें हुई हैं उन कंपनियों से, आप अगर उससे प्राथमिकता के तौर पे विचार करेंगे तो जो 21% DAP आज तक बिहार को मिला है, आप चाहे तो केंद्र से अपना एलोकेशन बढ़ा दें। हमारे बहुत बहुत